हाय आश, मैं हूँ मिस्टी और मेरी एज है 10। तुम्हारी क्या है? वो क्या कोइंसिडेंस है, मेरी एज भी 10 है। 10 years later। ओह हाय आश, मेरा नाम है सेरीना और मैं 10 years की हूँ। वो क्या कोइंसिडेंस है, एक्चुअली मैं भी 10 years का ही हूँ। सर, जब भी कोई पोकेगल वर्ड का यूज़ करता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही पोकेगल आती है, जो है मिस्टी। और आए भी क्यों ना, ये फर्स्ट पोकेगल जो थी। सो क्या आपको पता है मिस्टी का स्टार्ट पोकेमोन कौन था? एंड मिस्टी के कुछ चाइल्डहुड सीक्रेट्स कितने ज़्यादा डार्क थे? सो ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हो मिस्टी का स्टार्टर पोकेमोन कौन था? ये कहीं से भी कंफर्म्ड तो नहीं है, बट ज़्यादातर थ्योरीज के अकॉर्डिंग मिस्टी का स्टार्टर पोकेमोन एज यू गेस्ड स्क्वार्टल था। अब इसके काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहला ऑब्वियस रीज़न, मिस्टी एक वाटर टाइप लवर एंड वाटर टाइप ट्रेनर है, तो ये थोड़ा ऑब्वियस हो जाता है वो चाहे किसी भी रीजन में जाए वो स्टार्टर पोकेमोन एक वाटर टाइप ही लेगी। दूसरा रीज़न है मिस्टीज टीयर नाम का पोकेमोन कार्ड, जिसमें हमें दिखाया जाता है मिस्टी के आंसू पोंछते हुए एक स्क्वार्टल। एंड मोस्ट प्रॉब्ली एक अननोन पोकेमोन तो ऐसा नहीं करेगा, इससे ये पता चल सकता है कि वो मे बी वो स्क्वार्टल मिस्टी का हो। एंड फिर अमेजिंगली इसी कार्ड के थोड़े टाइम बाद ही एक कार्ड लॉन्च होता है, मिस्टीज ब्लास्टॉइस। और यहाँ तो क्लियरली लिखा है कि मिस्टीज ब्लास्टॉइस, यानी कि मिस्टी का ब्लास्टॉइस, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि मिस्टी के पास एक ब्लास्टॉइस है, भले ही एनिमे में ना हो। एंड आई एम नॉट श्योर, बट मे बी किसी पोकेमोन गेम में भी मिस्टी एक बार ब्लास्टॉइस यूज करती है उसके रीमैच में, मे बी इट वॉज हार्ड गोल्ड या फिर यूनोवा गेम। एंड सरप्राइजिंगली एक पोकेमोन कार्ड रिलीज हुआ था मिस्टीज गैराडोस, वो भी तब जब मिस्टी के पास कोई गैराडोस नहीं था एनिमे में। पर जैसे ही ये कार्ड रिलीज हुआ, हमें दिखाया गया थोड़े ही टाइम में कि मिस्टी के पास एक गैराडोस है एनिमे में। तो क्या इसका मतलब मिस्टीज ब्लास्टॉइस वाले कार्ड की ही तरह एनिमे में फ्यूचर में हमें मिस्टी का ब्लास्टॉइस भी दिखाया जा सकता है? सो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप चाहते हो कि मिस्टी के पास एक ब्लास्टॉइस आए। जस्ट इमेजिन अलोला में मिस्टी एक ब्लास्टॉइस निकालती और उसे मेगा इवॉल्व कर लेती, मज़े ही आ जाते। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। सो पोकेमोन का ये एपिसोड तो आपको याद ही होगा, कितना फनी एपिसोड था यार ये। एंड आपको ये भी याद होगा जब आज दवाई लेने जाने वाला होता है तब स्क्वार्टल स्क्वाड कहती है कि अगर आज टाइम पे नहीं आया तो वो लोग मिस्टी के बालों का कलर ऑरेंज से ब्लैक कर देंगे। एंड शायद ऐसा ही कुछ, बट क्या आपको पता है ऐसा सिर्फ इंग्लिश और हिंदी डब में ही हुआ था, क्योंकि जो ओरिजिनल जापनीज डब था उसमें ये काफ़ी डार्क सीन। जापनीज यानी ओरिजिनल डब में स्क्वार्टल स्क्वाड लिटरली कहती है कि अगर तुम टाइम पे नहीं आए हम तुम्हारी इस लड़की वाली फ्रेंड को मार डालेंगे, मतलब लिटरली उसे मार डालेंगे, कोई बालों का कलर चेंज करने की बात नहीं थी, जो काफ़ी फनी एंड डार्क चीज़ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपको पता है मिस्टी एक ऐसी पोकेगर्ल है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कपड़े यानी कि अलग लोकेशंस पे हर बार डिफरेंट क्लोथ्स में दिखाई गई है? और हाँ, इससे मेरा मतलब है अलग अलग लोकेशंस, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही एपिसोड में किसी ने बहुत ज़्यादा कपड़े बदल लिए। और हाँ, किसी मेन कैरेक्टर ने, तो हाँ इस चीज़ में मिस्टी सबसे आगे है। जैसे उसके नॉर्मल क्लोथ्स, उसके होम रिटर्न के क्लोथ्स, उसके मांगा क्लोथ्स, फिर उसके पोकेमोन फायर रेड एंड लीफ ग्रीन के क्लोथ्स भी अलग थे। एंड फिर उसके अलोला रिटर्न पे भी क्लोथ्स उसके अलग हो जाते हैं। और लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है, देन कम्स उसके पोकेमोन हार्ट गोल्ड एंड सोल सिल्वर के क्लोथ्स, फिर आते हैं उसके पोकेमोन ओरिजिन के क्लोथ्स, और इसमें वो काफ़ी अडल्ट भी लगती है बाय द वे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके लेट्स गो पिकाचू एंड लेट्स गो ईवी के क्लोथ्स। तो आप देख सकते हो मिस्टी कितने अलग अलग अपीयरेंसेस मार चुकी है अलग अलग कपड़ों में, जो काफ़ी अमेजिंग बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है आज की सारी फीमेल कंपेनियंस में मिस्टी के पास सबसे ज़्यादा पोकेमोन्स हैं, जो हैं 12। एंड एक बोनस फैक्ट, मिस्टी एक ऐसी पोकेगर्ल है जिसने अपने रिटर्न पे अपनी टीम में नए एडिशंस भी लाए हैं, जो हैं उसके होइन रिटर्न पे गैराडोस। ये बात तो हम सभी को पता है कि पोकेमोन मांगा कभी कभी कितनी ज़्यादा डार्क और गंदी हो जाती है, बट मांगा ने मिस्टी को तो ऐसे ट्रीट किया है कि वो सिर्फ इंग्लिश वॉल्यूम में ही नहीं बल्कि जापनीज वॉल्यूम में तक सेंसर हो गई। जैसे ये सीन्स आप देख सकते हो कि एडिट करके उन्हें क्या किया गया है, एंड इधर भी उसके कपड़ों को थोड़ा चेंज किया गया है।
जस्ट लाइक राइट साइड में ओरिजिनल है और लेफ्ट साइड में एडिट के बाद एंड अच्छा है ये चेंजेस कर दिए गए। और एक बार तो मांगा कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी मिस्टी के साथ, इसलिए आप स्किप कर सकते हो अभी। वो लेवल इतना ऊपर था कि मैं उसे बोल भी नहीं सकता, मैं बस पिक्चर दिखा देता हूँ, वो भी डबल ब्लर के साथ। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्किप कर लो, एंड अगर अभी भी नहीं किया है तो देख लो फिर डबल ब्लर के साथ, और समझने वाले समझ जाएंगे सीन में क्या हो रहा है। सो एक्चुअली में इस सीन में मिस्टी वाज टेकिंग अ बाथ एंड वहां पर एश और ब्रॉक पहुंच जाते हैं, मतलब लिटरली। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। सो क्या आपको पता है एश और मिस्टी की एक डॉटर है? मुझे पता है आप लोग शॉक हो गए होंगे अगर आपने ये बात पहले नहीं सुनी है। एंड अभी स्क्रीन पे आप जिसको देख रहे हो वो कोई फैन मेड आर्ट नहीं है, बल्कि ये एश और मिस्टी की रियल डॉटर है, या कह सकते हो थी, क्योंकि म्यूटू स्ट्राइक्स बैक मूवी के ट्रेलर में हमें ये दिखाई जाती है, वो भी मिस्टी की डॉटर के नाम पे। बट सैडली ऐसा सिर्फ ट्रेलर में ही होता है, एंड जब मूवी रिलीज होती है तब ऐसा नहीं होता है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा इसलिए था क्योंकि ये मूवी पोकेमोन एनिमे का एंड होने वाली थी, एंड इसीलिए उन राइटर्स ने सोचा कि एश एंड मिस्टी की शादी करा के एनिमे ख़त्म करते हैं विद अ डॉटर। बट फिर ये आइडिया स्क्रैप कर दिया गया क्योंकि पोकेमोन एनिमे को हम सब जानते हैं कंटिन्यू किया गया और अभी तक हमारा प्यारा एनिमे चल रहा है। सो क्या आपको पता है एश एंड मिस्टी का एक काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था, एक सिमिलैरिटी थी जो सैडली अब टूट चुकी है। सो अभी तक एश एंड मिस्टी के पास इक्वल नंबर ऑफ वाटर टाइप पोकेमोन्स थे, बट सैडली रिसेंटली पोकेमोन एनिमे में यानी कि पोकेमोन जर्नीज में एश ने पकड़ लिया एक ड्रैकोविश जो एक वाटर टाइप पोकेमोन है, जिसकी वजह से ये बैलेंस टूट गया है और अब एश के पास एक एक्स्ट्रा है, मतलब मिस्टी से एक ज़्यादा वाटर टाइप है। तो इस बैलेंस को वापस बनाने के लिए बस हमें मिस्टी का एक रिटर्न चाहिए जिस पे मिस्टी एक नया वाटर टाइप लाए अपने साथ, और ज़्यादातर बार ऐसा हुआ है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है मिस्टी का असली सिग्नेचर पोकेमोन कौन सा है, यानी उसका मेन पोकेमोन कौन सा है? सो सूत्रों के मुताबिक उसका सिग्नेचर पोकेमोन है नन अदर देन स्टारमी, एंड ये कुछ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियली कन्फर्म्ड है। इसीलिए आप मिस्टी की कोई भी पोकेमोन टीम देख लो, किसी भी गेम की एनिमे की, उसके पास स्टारमी रहता ही है। और पोकेमोन मास्टर्स गेम जिसमें सब लोगों के पास सबके सिग्नेचर पोकेमोन होते हैं, उसमें मिस्टी के पास एक स्टारमी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है मिस्टी पोकेमोन एनिमे में थी ही क्यों? इसका आंसर काफी अजीब है क्योंकि पोकेमोन वालों ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि मिस्टी एनिमे में सिर्फ बॉयज के लिए एक आई कैंडी के लिए थी, एंड यही वजह थी मिस्टी को एनिमे से हटाने की, एंड देन मे डॉन आयरस सेरिना इन सबको लाने की। उनका कहना है कि पोकेमोन वाले पोकी गर्ल्स को सिर्फ बॉयज के लिए ही बनाते हैं जिससे बॉयज भी पोकेमोन से थोड़ा अट्रैक्ट हो। ये काफी वियर्ड बात है यार, बॉयज ऐसे थोड़ी होते हैं यार, ये क्या बकवास है? क्यों ऐश तुम ऐसे हो क्या? अबे ऐश ऐसे क्या देख रहा है, बॉयज कम्युनिटी का नाम डुबा रहा है बे तू। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। ब्यूटी एंड द बीच एपिसोड के बारे में तो आपको पता ही होगा जो बैन हो गया था, एंड फिर आपको ये बुढ़ा आदमी भी पता होगा जो इस बैन के पीछे का एक और बड़ा कारण था। बट क्या आपको पता है इस बुढ़े आदमी ने मिस्टी से ऐसा क्या बोल दिया था जो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया कि इस एपिसोड को ही बैन कर दिया गया? सो एग्जैक्टली इस आदमी ने बोला था कि जब तुम 18 ईयर्स की हो जाना मेरे साथ मज़े करने वापस ज़रूर आना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो ये बात तो हम सबको ही पता है कि मिस्टी का प्रोफेशन है एक वाटर टाइप मास्टर बनना, बट क्या आपको पता है मिस्टी की हॉबी क्या है? सो वो है फिशिंग करना, एंड ये भी ऑफिशियली कन्फर्म्ड है, एंड इसीलिए मिस्टी के पहले अपीयरेंस में ही हमें वो फिशिंग करती हुई इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, एंड उसने एश को भी इसीलिए गुड बाय के टाइम एक फिशिंग बेट दिया था अपनी फेस का। फैक्ट नंबर 4, सो ये बात तो आप लोग को याद ही होगी कि एश और मिस्टी की गुड बाय के टाइम एश मिस्टी को उसकी बाइसिकल वापस कर देता है, बट क्या आपको पता है हमें ऐसा सिर्फ इंग्लिश और हिंदी डब में ही देखने को मिला, क्योंकि जो ओरिजिनल जापनीज डब था उसमें एश मिस्टी को उसकी साइकिल वापस नहीं करता है बल्कि सरयूलियन सिटी की नर्स जॉय करती हैं। एंड दिस इज़ प्रिटी क्रेजी क्योंकि हम इतने टाइम से सोच रहे थे एश इतना अच्छा है, उसने साइकिल दे दी, बट सच तो ये कि नर्स जॉय ने उसकी साइकिल वापस बनवा दी थी पुरानी ही वाली। एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लिश डब वालों को पोके शिपिंग मूवमेंट्स बनाने में सच में बहुत मज़ा आता है, मतलब ऐसे बहुत सीन थे जहाँ मिस्टी का कुछ नहीं था बट इंग्लिश डब में उसे एक पोके शिपिंग मूवमेंट बना दिया गया,
इसी बात पे फैक्ट नंबर 3 एक पोकी शिपिंग फैक्ट भी जान लेते हैं। सो क्या आपको पता है पोकेमोन लाइव एक लाइव एक्शन शो था जो जापान में काफ़ी ईयर्स पहले हुआ करता था, एंड इसे इनडायरेक्टली आप एक प्ले शो भी बोल सकते हो, एंड इसमें काफ़ी अच्छे गाने भी बनते थे। बट क्या आपको पता है इस लिटरली इसमें एक गाना बन चुका है जिसका नाम है मिस्टी सॉन्ग, जिसे मिस्टी गाती है और उसमें वो सिर्फ ये बताती है कि वो ऐश को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो जब भी ऐश को ये बताने का ट्राई करती है वो बहुत नर्वस हो जाती है और कभी बता नहीं पाती है। सो क्या आपको लगता है इससे अच्छा पोकी शिपिंग फैक्ट और कुछ भी हो सकता है? एंड इस गाने को लिटरली आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हो, तो इस वीडियो के बाद उसे भी सुन लेना। बट अब सबसे एक्सट्रीम लेवल के 2 फैक्ट्स बचे हैं, तो वो सुने बिना आप जाना ही मत। अब इतने फैक्ट जान ही लिए तो मिस्टी के हर लैंग्वेज के नेम की भी बात कर लेते हैं। जापनीज कासुमी, इंग्लिश ब्राजीलियन, पोर्चुगीज, डच, जर्मन, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इटालियन, मैले, स्पैनिश, स्वीडिश एंड टर्किश, सब में नॉर्मल मिस्टी नाम है। देन फ्रेंच में ऑनडाइन, कोरियन में छोई इस्यूल, चाइनीज में शाओ शियो, क्रोटियन में मिस्ती यानी कि एंड में आए ना कि वाई, और इंडोनेशियन में कासुमी, एंड देन बल्गेरियन, रशियन और सर्बियन तीनों में मिस्ती। सो या मिस्टी के इतने भी ज़्यादा नाम नहीं है जितने डॉन के थे। 3 कॉमन नेम है मिस्टी, कासुमी और मिस्ती। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट नंबर 1। सो क्या आपको पता है कि मिस्टी का चाइल्डहुड कितना ज़्यादा डार्क था? क्योंकि उसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने उसको अबैंडन कर दिया था और उसको और उसकी बहनों को सेरुलियन सिटी में अकेले छोड़कर चले गए थे। एंड डैट्स वाई हमें आश की मॉम और ब्रॉक के डैड दिखाए गए, पर मिस्टी का कोई भी पेरेंट नहीं दिखाया गया। एंड ये सब कोई फैन थ्योरी नहीं है, ये ऑफिशियली कन्फर्म्ड है। एंड बेचारी को उसके पेरेंट्स ने अबैंडन किया ही था कि उसकी जो बहनें थीं वो बहुत सुंदर थी और मिस्टी उनके हिसाब से नहीं थी, इसलिए वो उसे बचपन से बुली करती आई। मतलब एक बच्ची जिसको पैदा होती उसके पेरेंट्स छोड़ के चले गए हमेशा के लिए, एंड फिर उसकी बहनें अपनी ही बहन का ख्याल रखने के बजाय उसे बुली करने लगी। एंड फिर एक और ट्रैजिक इंसिडेंट तो तब हुआ जब उसको एक गैराडोस ने निगल लिया। सो हाँ, उसका चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा डार्क था, खासकर ये पेरेंट्स का छोड़ना एंड फिर बहनों का उसे बुली करना। बट अब हम जानते हैं वो अपने अकेले दम पर क्या बन चुकी है। सो या वी लव यू मिस्टी, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला घंटा भी दबा देना। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब बटन पे फ्लेम थ्रोवर करो या थंडरबोल्ट, बस दब जाना चाहिए। वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर देना क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना मेरे चैनल से अपडेटेड रहने के लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।